मेरे मन के द्वारे पायल की धन धार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की धन धार लिए कौन आया जाने दिल पहचाने आँख न जाने दिल पहचाने दूरतिया कुछ ऐसी आँख न जाने दिल पहचाने दूरतिया कुछ ऐसी याद करूँ तो याद न आए मूरतिया ये कैसी पागल मनवा सोच में डूबा सपनों का तनता लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की धन धार लिए कौन आया इस पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई इस पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई दूजे पल फिर ध्यान ही आए को न कहीं परछाई जो पद देती के घर आई एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की धन धार लिए कौन आया फरीदाबाद गीता पाठशाला में 7-8 उसमें दूसरे पेज में बात चल रही थी कि कहते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती थे। अच्छा लक्ष्मी नारायण भी भगवान भगवती थे तो बाकी पुनर्जन्म लेने वाले कौन है? क्योंकि भगवान तो अजन्मा कर्ता भोक्ता कहा जाता है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आता नहीं है। और उस ज्योति बिंदु निराकार शिव का किसी से कोई हिसाब किताब कर्मों का भी लेन देन नहीं है जो कर्म बंधन में बंधे। तो पुनर्जन्म लेने वाले कौन कौन है ये किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। राम सीता को भी भगवान भगवती कह देते हैं, शंकर पार्वती को भी भगवान भगवती कह देते हैं, फिर पुनर्जन्म लेने वाले कौन ये किसकी बुद्धि में बैठा नहीं है। बाप बैठ समझाते भी हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है शिव ज्योति बिंदु, वही बैठ किसी शरीर में समझाता है। जैसे गीता में कहा है प्रवेश तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, जैसे और अन्य आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं किसी के शरीर में और अच्छा या बुरा पार्ट बजाती हैं
वैसे मैं भी किसी शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाय सकता हूँ। तो बाप बैठ समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण हो, राम सीता हो, या शंकर पार्वती हो, उनको तो पुनर्जन्म लेना ही लेना है, क्योंकि वो देवताएं हैं। देवताएं जब अच्छे कर्म करते हैं तो देवता बनते हैं, और देवता की कोट से सुख भोगते भोगते जब नीचे गिरते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं। नर अर्जुन और नारी लक्ष्मी, नारी द्रौपदी जैसी, नर और नारी दोनों मिलकर के जब पुरुषार्थ करते हैं तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। तो ये तो पुनर्जन्म में आने वाली आत्माओं की बात है। मैं जो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, मैंने गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा दिव्य जन्म है, मैं गर्भ में प्रवेश न हो करके कोई शरीर में प्रवेश होकर के अपना पार्ट बजाता हूँ। लक्ष्मी नारायण सतयुग में सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की कला कम होती जाती है। सतयुग में 16 कलाएं संपूर्ण होते हैं, त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं। द्वापर में द्वैतवाद आने से तेजी से घटती कला होती है। जैसे कोई बीज होता है तो कई बार जब बोया जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। कोई भी परिष्कृत बीज होता है, पहले पहले उसमें ज्यादा दाने निकलते हैं, ज्यादा फल निकलते हैं, दोबारा बोया जाता है तो पहले की अपेक्षा कम फल देने वाला बनता है, उसका पौधा भी छोटा होता जाता है। ऐसे ही ये ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उस परम पिता परमात्मा शिव की संतान हैं। बाप और बच्चे का रूप एक जैसा होता है, सांप का बाप सांप जैसा ही लंबा होगा, हाथी का बाप भी हाथी जैसा लंबा चौड़ा होगा। तो हम जो बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, जिनकी यादगार ज्योति बिंदु मस्तक में बिंदु लगाया जाता है, या स्मृति में टिकने की निशानी टीका लगाया जाता है, वो ज्योति बिंदु आत्माएं भी परम पिता परमात्मा शिव की तरह ज्योति बिंदु हैं। अब शिव बाप को याद करने के लिए भक्ति मार्ग में ऋषियों मुनियों ने उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाई दिया। वो शिवलिंग सिर्फ भारत में ही नहीं पूजा जाता है, विदेशों में भी जहां जहां खुदाइयां हुई हैं, चाहे ग्रीस में हुई हो, मोसोपोटामिया में हुई हो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में हुई हो, हर जगह वो 5000 4000 वर्ष पुराने शिवलिंग मिले हैं, जो उसकी यादगार को आज तक भी कायम बताते हैं कि वो ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बहुत पुराना समय से पूजा चला आता है। तो वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो पुनर्जन्म नहीं लेता। अगर वो भी पुनर्जन्म में आने लगे तो हम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं को छुड़ाने वाला इस संसार में कोई नहीं, इसलिए वो एक तुरीय आत्मा है। बाकी लक्ष्मी नारायण, राम सीता, शंकर पार्वती, ये सब देवताएं तो हैं, जो अच्छे कर्म करके देवताएं बनते हैं, सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं तो मनुष्य बनते हैं, और संघ के रंग में आकर के और राक्षसों जैसे भी बन सकते हैं।
मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो नरसिंह नारायण बनता है, बुरे काम करता है तो राक्षस बन जाता है। बाकी राक्षसों की कोई अलग से योनि नहीं होती। देव योनि कहा जाता है। देव योनि का मतलब ही है जिसके अंदर दिव्यता भरी हुई हो, जो दूसरों को सुख देता हो, सुख लेने की इच्छा करने वाला न हो, इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज वाला हो, वो नारायण जैसा कहा जाता है। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा देता है गीता में कि हे अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जिससे तू नर से नारायण बने, और नारी तू ऐसी करनी कर जिससे तू द्रौपदी नारी से लक्ष्मी बने। तो वास्तव में हम ही पहले सूर्यवंशी बनते हैं, सतयुग में त्रेता में चंद्रवंशी बने, द्वापर में वैश्यवंशी बने, और कलयुग में आकर के सब शूद्रवंशी हो जाते। ये बात कोई परमात्मा आकर के नई नहीं बता रहा है, शास्त्रों में भी मनुष्य गुरुओं ने लिखा हुआ है। आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास जी ने आकर के लिख दिया, भय वर्ण संकर सब है, सब जातियां वर्ण संकर हो गई, माने सब शूद्र हो गए। इस दुनिया में कोई ब्राह्मण देवता नहीं रहा, ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे विष्णु की औलाद को या विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव कहते हैं, शिव की औलाद को, शिव के फॉलोअर्स को शैव कहते हैं, ब्रह्मा के फॉलोअर्स को ब्रह्म समाजी कहते हैं, तो ऐसे ही ब्रह्मा की औलाद जो ब्राह्मण कहे जाते हैं, तो बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है, ब्रह्मा से ब्राह्मण, विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव। तो यहाँ भी ऐसे ही है, ब्रह्मा मुखवंशावली जो होते हैं वो सिर्फ कलयुग के अंत में आकर के बनते हैं, जब ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाती है। ये सृष्टि जब बहुत ही तमो प्रधान हो जाती है, तो एक तरफ परमात्मा आकर के तामसी सृष्टि के विनाश के लिए हर हर बम बम का जो भारतीय नारा प्रसिद्ध है, शंकर की मूर्ति के द्वारा कार्य कराने के लिए सन्नद्ध हो जाता है, और दूसरी ओर ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रखने के लिए सूत्रों को ब्राह्मण बनाने का कार्य शुरू करता है। आज से 65-67 साल पहले एटमिक एनर्जी का भी नाम निशान नहीं था, और ढेर के ढेर जो भगवान आए हुए हैं, भगवान बन करके बैठे हुए हैं इस भारतवर्ष में, वो भी नहीं थे। जब सच्चा हीरा आता है तो नकली हीरे भी बनाए जाते हैं। 67 साल पहले 1936 में जब सारे भारतवासियों की एक ही आवाज थी, हे पतित पावन आओ, गांधी जी के साथ मिलकर के एक आवाज से, वाइब्रेशन से परमात्मा को खींच रहे थे, उस समय उनके अनजान में परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका था, और आकर के उसने दोनों ही कार्य इस सृष्टि पर शुरू कर दिए। एक तरफ एटमिक एनर्जी का निर्माण शुरू हुआ, उस समय कोई नाम निशान भी नहीं जानता था कि एटम बम क्या चीज होती है, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में शंकर के नाम के साथ हर हर बम बम शब्द जुड़ा हुआ है। तो बमों के द्वारा वो सारी अशांत सृष्टि को शांत कर देता है। वो कार्य भी शुरू हुआ, और दूसरी तरफ
ब्रह्मा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में स्थापना भी शुरू हुई सिंध हैदराबाद से, जिसका फाउंडेशन कलकत्ते में पड़ा, जहां आज भी इस सृष्टि वृक्ष की यादगार बनियन ट्री खड़ा हुआ है। सृष्टि वृक्ष के बारे में गीता में भी बोला हुआ है, अश्वत्थम आहोरव्ययम्, ये सृष्टि एक उल्टा लटका हुआ झाड़ है, इसकी यादगार है। वो झाड़ वहां गंगा सागर के किनारे दिखाया हुआ है, जिसका मैंथुर और मुख्य जड़ वो लोप हो चुकी है देवी देवता सनातन धर्म, जहाँ सारी सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम का प्रैक्टिकल रूप थी। दुनिया में एक ही राजा होता था, एक ही राज्य होता था, एक ही धर्म होता था और एक ही दैवी परिवार था। द्वापर युग से द्वैत फैलाने वाले जो दूसरे धर्म पिताएं आए, आज से 2500 वर्ष पूर्व जैसे इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ, 2000 साल पहले क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, और जो सनातन धर्म की मर्यादाएं थी वो तोड़ दी गई द्वैतवाद के आने से। तो दुनिया में दो दो धर्म, दो में से चार धर्म, दो दो राज्य, चार चार राज्य, वो राज्यों की संख्या भी बढ़ती चली गई, धर्मों की संख्या भी बढ़ती चली गई, मत मतांतर की भी संख्या बढ़ती चली गई और कुल भी अनेक हो गए। जब अनेकता बढ़ती है तो अशांति आती है और अशांति के बढ़ते बढ़ते कलह कलेश का युग आ गया। जब इस सृष्टि में सभी धर्म पिताएं आकर के अपना अपना करिश्मा दिखा करके चले जाते हैं और ये दुनिया चरित्र के आधार पर नीचे गिरती चली जाती है, दैवी चरित्र बिगड़ करके आसुरी राक्षसी चरित्र बनते जाते हैं मनुष्यों के, और कोई को आशा नहीं रहती कि ये सृष्टि अब सुधर सकती है, सब निराश हो जाते हैं। तब भारत में भगवान आता है और बताता है कि बच्चे, मैं एक निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर ऐसा हूँ जो इस सृष्टि को आकर के सुधारता हूँ, कलयुग से सत्युग बनाता हूँ, झूठ खंड को सच खंड बनाता हूँ, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। और बाकी जितने देवताएं हैं, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे राम सीता हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, वो सब पुनर्जन्म में आते रहते हैं। पुनर्जन्म में आते आते जिंदगी के सुख भोगते भोगते आत्मा रूपी बीज कमजोर होता जाता है। इसका मिसाल है, आज से 400 साल 500 साल पहले महाराणा प्रताप की तलवार आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। हम सामान्य लोग उस तलवार को उठा नहीं सकते क्योंकि उनका लंबा चौड़ा शरीर था। उस समय आत्मा रूपी बीज में पावर थी तो शरीर रूपी झाड़ भी पावरफुल था। अब हम भारतवासियों के शरीर आत्मा के तमोप्रधान होने के कारण तामसी बन गए, आंखें अंदर घुस गईं, शरीर बेडोल हो गए और विकृत सुख भोगते भोगते हमारी आत्मा में विकृति आने के साथ साथ शरीर भी पूरे बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान हो गया। अभी परमात्मा बाप आकर के बताए रहे
कि बच्चे जो भी देवताएं हैं उन सबको पुनर्जन्म लेना है। पुनर्जन्म लेते लेते जब नीचे गिर जाते हैं फिर हम सो शूद्र सो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण सो सुधर करके फिर देवता बनते हैं, बनेंगे। अभी परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा को एडाप्ट करके ब्राह्मण बनाया है, भक्ति मार्ग को शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ाने वाले मनुष्य गुरु तो ये समझते हैं कि ब्रह्मा ने मुंह से कोई आवाज निकाली होगी, हुआ किया होगा और ब्राह्मण मुख में से निकल पड़े, इसलिए शास्त्रों में लिख दिया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। शक्ति का विराट पुरुष है उसके मुख से ब्राह्मण निकले, भुजाओं से क्षत्रिय निकले, जंघाओं से वैश्य निकले और पांव से शूद्र निकले। अब ये तो अंधश्रद्धा की बात हो गई, वास्तव में इसका गुहिया अर्थ है मनुष्य सृष्टि या मनुष्य रूपी जो विराट स्वरूप है वो चार भागों में बटा हुआ है, जिसको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कहते हैं। जैसे कोई ड्रामा होता है, कोई नाटक होता है, उसमें चार सीन होते हैं, वैसे ही ये वर्ल्ड ड्रामा है जिसमें ये चार सीन नुदे हुए हैं। सतयुग त्रेता है, उड़ती कला है, उठती कला है, सुख का युग है, और द्वापर कलयुग गिरती कला है, दुख का युग है। ये रात से दिन और दिन से रात, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन शास्त्रों में गाया हुआ है। 2500 वर्ष हम मनुष्य आत्माएं कोई ठोकर नहीं खाती और 2500 वर्ष द्वैतवाद आने के कारण, मनुष्य गुरुओं के चक्र में फंसने के कारण कोई मंदिरों में भटकता है, कोई मस्जिदों में भटकता है, कोई गुरुद्वारों में भटकता है, ठोकरें ही ठोकरें खाते रहते हैं। सत्य तो एक परमात्मा ही है, परम पिता परमात्मा शिव के सिवाय तो दुनिया में कोई सत्य नहीं है। सब संकल्पों से, कर्म से, वचन से अपने जीवन को झूठ साबित कर देते हैं। अब परमात्मा बाप आकर के हमको सत्य खाना, सत्य पहनना, सत्य बोलना और सत्य कर्म करना सिखाए रहा है। वो ब्रह्मा के तन में आकर के बोलता है, उसको मुख चाहिए, उसको अपना मुख नहीं है, उसको अपने कान नहीं है, इसलिए शास्त्रकारों ने कह दिया बिनु पग चले सुने बिनु काना, पर बिनु कर्म करे विधि नाना, आना न रहे तो सकल रस भोगी। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कैसे कैसे सकल रस भोगी, कैसे बिना आंखों के देखता है, तो कहते हैं वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। नहीं, भगवान आकर के अंधश्रद्धा नहीं सिखाता, वो तो सीधा सा हल दे रहा है कि जैसे भूत प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती हैं, मैं भी प्रवेश करता हूँ। मैं प्रवेश करके कोई मनुष्य तन में ज्ञान सुनाने का काम करता हूँ, मेरा और कोई पार्ट नहीं है। तुम्हारा आत्माओं आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, मेरे साथ तुम्हारा कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं, जो मैं जन्म मरण के चक्र में आऊं और 84 के चक्र में फंसूं। कोई पूछे कैसे तुम ब्राह्मण से देवता बने, कैसे तुम देवता से शूद्र बने, तो तुम बता सकते हो, बोलो। ब्रह्मा मुख से परमपिता परमात्मा ने हमको ब्राह्मण बनाया है, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाते हैं। ब्रह्मा का दूसरा नाम शास्त्रों में मनु बताया है, मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। एक होते हैं जानवर,
और एक होते हैं मनु की औलाद मनुष्य। जानवरों को जब आवेग आता है तो वो कोई मनन चिंतन मंथन नहीं करते। आवेग आया और जो कुछ करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो अपना पूरा कर लेते हैं, उनको जानवर कहा जाता है। और मनुष्य मननात मनुष्य कहा जाता है, जो मनन चिंतन करता है वो मनुष्य कहा जाता है। कोई भी काम करने से पहले मन का उपयोग मनुष्य करता है। तो ये बात परमात्मा बाप आर्य के ब्रह्मा के मुख से हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे इस मन को पहले जीतना है। मन से हारे हार, मन से जीते जीत। मन को कंट्रोल कर लिया तो ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये सब कंट्रोल में आ जाती। जब ये कंट्रोल में आ जावेंगी तो रावण के जो 10 सिर हैं, जो सारी दुनिया को डोलायमान कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये सब तुम बच्चों के सहयोगी बन जाएं। तुम्हारे ऊपर है सारा मदार इस शक्ति को परिवर्तन करने का। लेकिन ये सब सिखाने वाला कौन है बोलो? बाप ही पतितों को पावन बनाते। वो बाप बनता है इस शक्ति पर आकर, माता भी बनता है। इसलिए पहला रूप आता है ब्रह्मा। क्या साधारण जो शक्ति रखी जाती है, मनुष्य जो हद की शक्ति रखते हैं, तो बच्चा पहले किसके संपर्क में आता है? माँ के संपर्क में आता है, माँ को पहचानता है। ऐसे ही परमात्मा बाप जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, वो मृदुल पार्टधारी आत्मा है कृष्ण की सोल, जिसके लिए शास्त्र में कहा गया हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो दोनों ही एक ही आत्मा है, नारायण अथवा कृष्ण। वो जन्म मरण के चक्र में आते आते आखिरी जन्म में आकर के सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में जन्म ले लिया। कलकत्ते में जाकर के उनकी जवाहरात की दुकान बनती है और वहाँ वो अपना धंधा करते हैं। 60 वर्ष का होने के बाद उनका धंधे में मन नहीं लगता तो सत्संग में अपनी बुद्धि लगाते हैं और उसी समय उनको भगवान के साक्षात्कार होते हैं, दुनिया का साक्षात्कार होता है। और वो साक्षात्कार के आधार पर वायरे हो जाते हैं, क्योंकि उनका अर्थ उन्हें पता नहीं चलता क्या होने वाला है। उन अर्थों को समझने के लिए वो अपने गुरु से पूछते हैं, गुरु उनको कोई समाधान नहीं दे पाता। सोचते हैं एक गुरु हमने जो बनाया हम उसमें फेल हो गए होंगे, हमने अच्छा गुरु नहीं बनाया। बनारस में जाकर के बड़े बड़े अच्छे विद्वान पंडित आचार्य हैं, उनसे जाके पूछो। तो कई महीने तक बाबा ब्राह्मणों के संग में आए, बनारस की विद्युत मंडली में गए, बड़े बड़े अवधूतों और बड़े बड़े साधुओं से मिले, उनकी शंका का समाधान किसी ने नहीं किया। आखिरी उनकी गुरुओं से श्रद्धा हट गई और वो अपने जीवन पर विचार करने लगे कि हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति कौन है जो हमें सबसे सच्चा साबित हुआ हमारे जीवन में। तो उनका 10 साल से एक भागीदार था दुकान में, जो उनका लौकिक संबंधी भी था, वो भी जवाहराती था, लेकिन उनके जवाहरातों की दुकान इस कलयुगी संसार में जाती चलती नहीं थी। ब्रह्मा बाबा ने उनको अपना भागीदार बना लिया। जब अपना सत्संग शुरू किया तो ये तय किया कि जितनी भी हमारी करोड़ संपत्ति है उससे तुम ये दुकान संभालो
और तुम्हारी रही मेहनत और मेरा रहा पैसा। जो भी कमाई हो उसमें से आधा हमको देते रहना, हम तो जाके सत्संग मिले। ये त्याग और तपस्या का फल उनको मीठा मिला। भगवान उनमें प्रवेश करके उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन एकदम शुरुआत में नहीं। पहला जो कार्य है वो उसी भागीदार के द्वारा शुरू होता है। भागीदार वो राम की आत्मा थी। राम और कृष्ण यही इस सत्य रूपी रंगमंच के दो पहिए हैं, जिनको दूसरे धर्मों में एडम और ईव, आदम और हवा कहा जाता है। वो ही माता पिता का पार्ट बजाते हैं। वास्तव में उनकी आत्माएं माता पिता का पार्ट नहीं बजाती। विश्व सृष्टि के माता पिता बनने के गट उनमें नहीं होते हैं। वो सुप्रीम सोल उनमें जब प्रवेश करता है आखिरी जन्म में, तब वो माता पिता का पार्ट बजाते। ब्रह्मा बाबा जब कलकत्ते पहुंचे बनारस से, तो उन्होंने अपने साक्षात्कारों की सारी बात भागीदार के सामने रख दी, और भागीदार में परमात्मा शिव ने प्रवेश होकर के उनके साक्षात्कारों का सारा क्लेरिफिकेशन दे दिया। ज्ञान का बीज तो ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में पड़ा, और वो तल्लीन होकर के सत्संग में सिंध हैदराबाद में अपना कार्य शुरू कर दिया सत्संग का। उस समय वो जो भक्ति मार्ग की गीता है, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई जाती है, उसे गीता के ही अर्थ करके सुनाई जाती थी। वो गीता उस समय उसके गुही अर्थ नहीं खुले थे, तो ऊपर ऊपर की जनरल नॉलेज सुनाई जाती थी। जैसे गीता में आया है, आत्मा का स्वरूप बताया, अणु अणियां का मनुस्मरेत्य है, आत्मा अणु रूप है, तो यह बात बुद्धि में बैठाई गई कि भ्रकुटि के बीच चमकता है जब सचारा, जो ये जिंदगियों में कहावत है वो ये गीता के वाक्य से मिलती हुई बात है। भ्रकुटि के बीच में वो आत्मा रूपी राजा इस शरीर को कंट्रोल करने वाला बैठा हुआ है, जिसकी यादगार में लोग बिंदी या टीका लगाते हैं। ऋषियों महर्षियों ने मनुष्य आत्म की स्मृति में बना रहे, देह भान में ना आए, देह की स्मृति से परे बना रहे, इसके लिए उन्होंने ये युक्ति बताई थी कि अपने को बिंदु आत्मा समझो, बिंदु मस्तक में धारण करो, टीका लगाओगे तो आत्म की स्मृति में टिकने की याद बन गई। एक दूसरे को देखने के से स्त्री पुरुष का भान उतना नहीं पकड़ेगा, लेकिन बाद में ये एक परंपरा मात्र रह गई। बिंदी और टीका अपनी जगह लाया जाता रहा, और जो असली अर्थ उसका था वो लोगों को भूल गया। तो ये ज्ञान का बीज आरोपण यज्ञ के आदि से ही हो चुका कि हम बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, और वो बिंदु बिंदु बाप परम पिता परमात्मा वो हमारा बाप है। वो भी बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि हम आत्माएं जन्मण के चक्र में आने वाली है, ऊंच से नीच गिरने वाली है जन्म लेते लेते, और वो ऊंच से नीच कभी नहीं गिरता। वो सदा शिव कहा जाता है, शिव माना कल्याणकारी। वो सदैव ही कल्याणकारी है। देवताएं तो देवियों में कल्याणकारी होते हैं एक दूसरे। जब देवताएं गिरते गिरते नीचे गिरते हैं तो तामसी बन जाते हैं, राक्षसी स्वभाव वाले भी कोई कोई बन जाते हैं, तो वो दुखदायी बन जाते हैं। तो मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आकर के नीचे भी गिरती है। सुप्रीम सोल परमात्मा से वह कभी नीचे नहीं गिरता। वो मनुष्य तन में प्रवेश करके भी सब प्रकार के मनुष्यों के
जो साधारण मनुष्यों के कर्म होते हैं वो कर्म करते हुए भी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करके रहता है, वो किसी को दुख नहीं दे सकता। उसकी हर प्रकार की वाचा, उसकी हर प्रकार के कर्म साधारण मनुष्यों को साधारण देखने में आवेंगे, लेकिन जो अनेक जन्मों की ज्ञानी तू आत्माएं रही होंगी, ज्ञान में विचरण करने वाली रही होंगी, वो उस बात की गहराई को जल्दी समझ जाती। समझाने वालों के ऊपर भी होता है, और जो होता है वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से ही होता है। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब हर मनुष्य आत्मा के जीवन में बहुत महत्व रखता है। जब वो हिसाब किताब एक दूसरे से मिलते हैं तो ज्योति से ज्योति जग जाती है। इसकी यादगार दीपावली मनाई जाती है। पहले यमराज का एक बड़ा दीपक जलाया जाता है। धर्मराज कहो, यमराज कहो, धर्म का जो राजा है, जिसको शास्त्रों में क्या नाम दे दिया, युद्ध स्थिर, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, वो आत्मा पहले जगती है। और जग करके दूसरी दूसरी जो नंबरवार पुरुषार्थी आत्माएं हैं उन आत्माओं की ज्योति को जगाती है। इसलिए पहले वो यमराज का दीपक जलाते हैं और बाद में दूसरे दूसरे दीपकों को जलाया जाता है। उनमें भी पहले थाली में 8 दीपक रखते हैं जो अष्ट देवों की यादगार है। हमारे भारत में कोई भी अनुष्ठान होगा तो नवग्रहों का पूजन किया जाता है। उनमें एक है परमात्मा ज्ञान सूर्य स्वयं, और वो अष्ट देव आत्माएं जो नवग्रहों के रूप में आज भी पूजी जाती हैं। जरूर उन्होंने इतना पवित्रता का व्रत धारण किया है जिसके आधार पर उनकी पूजा होती है। तो वो देव आत्माएं सारे संसार की ज्योति जगाती है, निमित्त बनती है। तो तुमसे कोई पूछे कि तुम कैसे ब्राह्मण बने हो, बोलो ब्रह्मा मुक्त परमपिता परमात्मा ने हमको बनाया है। वो बात ही है जो पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। क्या पतितों को पावन तो बनाते हैं लेकिन एक शर्त रख देते हैं। क्या शर्त है, कौन सी शर्त रख देते हैं? कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखाया जाता है, कोई निश्चय पत्र लिखाया जाता है, क्या लिखाया जाता है उसमें है? वही गीता का वचन। गीता में जो भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन ये काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं, तू इनको त्याग दे। तो आजीवन जो ब्रह्मचर्य व्रत है वो आजीवन पवित्रता का व्रत धारण करना परमात्मा सिखाता है, और वो सन्यासियों जैसी पवित्रता नहीं सिखाता है कि घर घर से छोड़ करके जंगल में चले जाओ। वो बाल बच्चों को, पत्नी बीवी बाल बच्चों को अनाथ बनाना नहीं सिखाता है। वो तो सिखाता है कर्म इंद्रियां है तो कर्म इंद्रियों से कर्म भी करना है, लेकिन ऐसा कर्म करना है जिससे कोई को किसी प्रकार का दुख महसूस न हो। अगर कर्मेंद्रियों से किसी को दुख दिया तो उसको अपवित्रता कहेंगे। अपवित्रता जब तक जीवन में है तब तक देवयोनि में नहीं पहुंच सकते। वाचा की अपवित्रता हो, दृष्टि की अपवित्रता हो, कर्मेंद्रियों की अपवित्रता हो, वो अपवित्रता ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए 5 विकारों में ये काम विकार सब विकारों का दुश्मन, सबसे बड़ा
डकैत है जो मनुष्यों के जीवन को बिगाड़ने वाला है। भगवान बापा जब आते हैं तो इस काम विकार के ऊपर जीत पहना सिखलाते हैं। उन जीत पाने वालों में जो सबसे आगे मनुष्य आत्मा जाती है उसका नाम है राम। उसका नाम रखा है राम, जिसका अर्थ होता है रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम। जिस राम में परमात्मा प्रवेश करके संसार में राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, संसार में वो शंकर के नाम रूप से भी प्रत्यक्ष होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। माना जब शंकर की स्मृति के बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा राम की अनुकंपा प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो शिव की सोल राम में ही प्रवेश करके, राम की अंतिम जन्म में ही प्रवेश करके संसार का पिता बनती है। इनको शंकर पार्वती कहा जाता है। पितरम जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरो। जैसे राधा कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा सरस्वती के रूप में संसार में प्रसिद्ध होती है, ऐसे ही राम सीता की आत्मा शंकर पार्वती के रूप में संसार में प्रसिद्ध होती है। तो ये शंकर पार्वती कहो, राम सीता कहो, राधा कृष्ण कहो, ये सब देवताओं के नाम हैं, ये कोई भगवान नहीं है। उनको सुप्रीम सोल बाप नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल बाप जब से भी सृष्टि पर आता है तब ही पतितों को पावन बनाता है। अब पतित पावन कृष्ण क्यों नहीं कहा जाता? पतित पावन राधा क्यों नहीं कहा जाता? पतित पावन सीताराम का ही नाम पहले क्यों लिया जाता है? जरूर उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग में रह करके ऐसा कोई कर्म किया है जिससे कर्मेंद्रियों पर जीत पाई है, और कर्मेंद्रियों पर जीत पाने के कारण उनका आज तक भी ये गायन चला आ रहा है, पतित पावन सीताराम। हालांकि राम सीता की आत्माएं या राधा कृष्ण की आत्माएं अगर पतितों को पावन बनाने वाली होती तो इससे पूर्व के जन्मों में भी पतितों को पावन बना लिया होता। उस सुप्रीम सोल के आगे वो राम कृष्ण की आत्माएं भी बथनाटी पहनी। वो सुप्रीम सोल जब इस सृष्टि पर आता है तब राम कृष्ण जैसी आत्माओं को भी ऊंचा उठाता है। तो बाप पहले पहले प्रतिज्ञा कराते हैं पवित्रता की। यहाँ कोई ऐसा है जिसने ये प्रतिज्ञा पत्र ने लिखा हो? इस सभा में कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ है जिसने प्रतिज्ञा पत्र ने लिखा हो? क्यों नहीं लिखा? तो आपने अभी पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी पूरी? पढ़ाई पढ़ेंगे तो लिखेंगे। आपका तो वीआईपी लिस्ट में नाम आ गया। बाबा जिनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं वो हैं कन्याओं का जीवन, क्योंकि भारतीय परंपरा में कन्याओं की बहुत पूजा होती है। सन्यासी भी जाकर के कन्याओं के पैर छूते हैं। तो कन्या का जीवन जो है वो भारतीय परंपरा में ऊंचा माना जाता है। माँ बाप जो हैं कन्याओं का पद पूजन करते हैं, नहीं तो बच्चे जो हैं वो माँ बाप के पांव छूते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा ऐसी है, कन्याओं का इतना मान दिया हुआ है, तो कन्याएं इतना श्रेष्ठ जीवन बिताने के कारण उनको जो जन्म देने वाली आत्माएं हैं वो भी कोई निराली और विशेष आत्माएं होंगी। क्या अगर राम की आत्मा को इस आखिरी 84वें जन्म में जन्म देने वाला कोई व्यक्तित्व है, कृष्ण की आत्मा को इस आखिरी जन्म में जन्म देने वाला कोई व्यक्तित्व है शारीरिक जन्म, तो कोई साधारण आत्मा तो नहीं होगी। साधारण होगी? नहीं होगी, जरूर विशेष आत्मा होगी। तो इसलिए परमात्मा बाप आकर के कहते हैं, बच्चे मैं विशेष आत्माओं को चुन रहा हूं। क्या
लौकिक जीवन में भी दोनों भागीदार थे रामकृष्ण एक दूसरे के, हीरे जवाहरातों के पारखी थे, और इस ब्राह्मणत्व के जीवन में अलौकिक जीवन में जब आते हैं तो भी जो हीरे रूपी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं उनके पारखी हैं, उन आत्माओं को विशेष महत्व देने वाले हैं। आगे पीछे तो होता रहता है, उसके लिए बाप ने बताया है कि लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं, भले कोई ज्ञान में लास्ट में आया हो तो भी आगे जा सकता है। क्यों क्यों आगे जा सकता है? गीता में लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मणत्व का जो जन्म एक बार ले लेता है वो जन्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। पूर्व जन्म में जिन्होंने ब्रह्मा की औलाद बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया, वो शरीर छोड़ने के बाद जब इस जन्म में भी आएगा तो वो पूर्व जन्म की कुछ न कुछ प्रारब्ध लेकर के आता है। उस प्रारब्ध के आधार पर उसका पूर्व जन्म का जो ब्राह्मणत्व का जीवन है वो अगले जन्म में ऐड हो जाता है। तो अभी हमारा सच्चा ब्राह्मणत्व का जीवन है, वो ब्राह्मण तो अपने को ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहते हैं, वास्तव में वो ब्रह्मा की औलाद नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को उन्होंने पहचाना नहीं है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों पर वो चलते नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं जो ब्रह्मा मुख की बात माने वो पक्का ब्राह्मण, जो अपने जीवन में पवित्रता का व्रत धारण करे वो पक्का ब्राह्मण। वैसे भी जितने भी राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में देख लो, जो भी अपने बड़े बड़े मंत्रियों महामंत्रियों को अमात्यों को बनाते हैं तो वो ब्राह्मणों का चुनाव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जीवन को पवित्र मानते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कोई तुमसे पूछे तुम कैसे ब्राह्मण बने हो तो बताओ कि हम ब्रह्मा के मुख से डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके हम ब्राह्मण बने। जो शास्त्रों में गायन है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, कोई मशीन नहीं रखी होती है जिसमें से ब्राह्मण निकले, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। तो बोला अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की, बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। क्या तरीका क्या बताया? हम आत्मा भल पतित बन गई है, ज्योति बिंदु आत्मा अनेक जन्म लेते लेते जैसे बीज कमजोर हो जाता है, सुख भोगते भोगते कमजोर हो जाता है, ऐसी आत्मा रूपी बीज भी सुख भोगते भोगते कमजोर हो गया। तो ये बिंदु आत्मा जब कमजोर हो जाती है, तामसी बन जाती है, काली बन जाती है, तब परमात्मा बाप आकर के तरीका बताते कि बच्चे जैसे तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, प्रकृति में चमकता हुआ अजब सितारा हो जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है, ये आंखों से निकलने वाली जो रोशनी है ये उस आत्मा सितारे की रोशनी है। जब इस शरीर को छोड़कर के ये आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर में जो आंखें हैं वो बटन जैसी हो जाती है, उनमें कोई भी रोशनी नहीं रहती, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अनुरूप है, ज्योति स्वरूप है। उस ज्योतिर्लिंगम का यादगार आज भारतवर्ष में 12 लिंगों के रूप में पूजा जाता है। ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव, वो भी ज्योति बिंदु है। वो इस सृष्टि पर जब आता है, कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है तो ये बात बताता है कि बच्चे तुम देह भान को छोड़ दो, ये देह का भान जो है बहुत नीचे गिराने वाला है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, ये देह के टाइटल हैं, आत्मा के टाइटल नहीं। अगर एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखें तो सब परमात्मा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई है, भाई बहन भी नहीं है, भाई भाई है। अगर भाई भाई की दृष्टि में टिकेंगे तो कोई ऊंच नीचे नहीं रह जाता,
जब ऊंचे नीचे नहीं रह जाता तो किसी पर क्रोध आने की भी बात नहीं रहती, काम और क्रोध की भी बात नहीं रहती। ये स्त्री चोला हमने भी कई जन्म धारण किया होगा, ये पुरुष चोला हमने भी कई जन्म धारण किया होगा। तो ये तो डब्बा है, डब्बे का रूप बदलता रहता है। असली जो चीज है स्मृति में रखने की वो है ज्योति बिंदु आत्मा स्टार, जो प्रकृति के मध्य में चमक रहा है। इन आंखों से देखने में नहीं आता, इन आंखों से देखने में तो मलेरिया के कीटाणु जो एक बूंद में सैकड़ों की तादाद में होते हैं वो भी नहीं देखने में आते। तो क्या मलेरिया के कीटाणु नहीं होते? अभी तो डॉक्टरों ने ऐसा यंत्र निकाल दिया उन कीटाणुओं को वो देख लेते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमको दिव्य बुद्धि का ऐसा यंत्र दे रहा है, आत्मिक स्थिति में टिकने का ऐसा यंत्र दे रहा है जिससे हम अपनी आत्मा के भी अनेक जन्मों के पार्ट को जान सकते हैं और परमात्मा को भी पहचान सकते हैं। परमात्मा बाप सुप्रीम सोल अभी हमको बताए रहा है कि तुम देह की स्मृति से, मिट्टी की स्मृति से मिट्टी जैसी बुद्धि वाले बन गए। चोरों का जो संग करेगा, डकैतों का जो संग करेगा, तो उसकी बुद्धि में चोर डकैतों के संस्कार आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। ऐसे ही हम अगर मन बुद्धि से देह को याद करते रहेंगे, चाहे अपनी देह को कि मैं बड़ा मिनिस्टर हूं, और चाहे दूसरों की देह को, तो देह तो मिट्टी है, वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाने वाली है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर जो आत्मा हीरा है वो शाश्वत है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हाँ, तामसी बन चुका है, उस तामसी को सात्विक बनाने के लिए वो जनरेटर आया हुआ है, जो पावर की खान है सुप्रीम सोल, जो कभी नीचे नहीं गिरता, सदा शिव कहा जाता है, उस ज्योति बिंदु शिव को अगर हम याद करेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। आत्मा की बैटरी जितनी जितनी चार्ज हो जाएगी इस एक जन्म में, अंतिम जन्म में, उतनी हम पावरफुल आत्मा बन जाएंगे। ऐसे तो दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है। ये 700 करोड़ की 600 करोड़ की आबादी अब होने जा रही, वो लास्ट में ऐसी उतरने वाली आत्माएं हैं ब्रह्मलोक से जो मनन चिंतन मंथन को जानती ही नहीं, कीड़े मकोड़ों की सदस्य हैं। इसलिए मुरली में बाप ने बताया है कि असली मनुष्य आत्मा है 500 करोड़। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप मैं इस सृष्टि पर आया हूं मनुष्यों को देवता बनाने के लिए। तो चाहो तो आत्मा रूपी बैटरी को अभी चार्ज कर सकते हैं। तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, इसका प्रूफ ये है कि देवताओं के जो चित्र हैं वो कितने आकर्षणमय दिखाई जाते हैं, बड़ी बड़ी आकर्षणमय आंखें दिखाई जाती हैं, उनके चेहरों में आकर्षण होता है। आज मनुष्य का आकर्षण, दृष्टि का आकर्षण खत्म होता चला जा रहा है, आंखें अंदर को धसती चली जा रही है। इस शरीर के अंदर मुख्य ज्ञानेन्द्रियां पहुंचती हैं, कहते हैं ना ये दोनों बच्चे तो मेरी आंखें हैं। आंखों से मिसाल क्यों देते हैं? क्योंकि जो भी 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं उनमें आंखें ही सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। दृष्टि का पतन हो जाए तो शक्ति का पतन हो जाता है, दृष्टि पावन बन जाए तो सारी शक्ति पावन बन सकती है। ये दृष्टि के ऊपर सारा मदार है, दृष्टि से शक्ति सुधरती है। इसलिए आज की परंपरा में जो मनुष्य गुरु हैं उनके लिए भी ये कहते चले आ रहे हैं भक्त लोग, गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। वो कृपा दृष्टि की बात नहीं है यहाँ, यहाँ असली बात है
आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, ये स्मृति रूपी धागे के द्वारा स्मृति ये कनेक्शन जोड़ा जाता है। जैसे कोई बैटरी जब चार्ज की जाती है तो वो तार निगेटिव और पॉजिटिव बड़ी बैटरी के साथ जोड़ा जाता है या जनरेटर के साथ जोड़ा जाता है तो बैटरी चार्ज होती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा रूपी बैटरी है, इसे परमात्मा अभी चार्ज करने के लिए आया हुआ है। ये चार्ज बैटरी जब चार्ज हो जाएगी तो नंबरवार आत्माएं इस शक्ति पर प्रसिद्ध होंगी। पहले अष्टदेव प्रसिद्ध होंगे जो नव ग्रहों के रूप में जो भी कोई अनुष्ठान होता है भारतीय परंपरा में पूजे जाते हैं, भगवान के साथ उनकी भी पूजा होती है। उसके बाद 108 श्रेष्ठ आत्माएं जो वैजयंती माला कही जाती है, जिन्होंने अंत में विकारों के ऊपर पूरी विजय प्राप्त कर ली, वो भी फर्स्ट क्लास आत्माएं, उनका चुनाव अभी होने वाला है। वो आत्माएं भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली है। जैसे कोई बच्चा होता है जब तक गर्भ में गुप्त है तो कोई नहीं जानता, बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है प्रत्यक्ष होता है तो पहले घर वालों को फिर गांव वालों को चारों तरफ उसकी शोहरत होती जाती है। तो ऐसे ही ये दिव्य जन्म आत्मा लेती है तो संसार में वो आत्मा प्रत्यक्ष होना शुरू है, चाहे वो राम की आत्मा हो, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, चाहे सीता की आत्मा हो, चाहे राधा की आत्मा हो, पार्वती की आत्मा। अभी 500 करोड़ मनुष्य आत्मा इस शक्ति पर अपने स्वरूप को पहचानने वाली है। ये शक्ति रूपी रंगमंच है, इस रंगमंच पर कोई भी पार्टधारी अपने पार्ट को अगर न जाने तो परमात्मा बाप कहते हैं वो बेवकूफ एक्टर है जो अपने पार्ट को ही नहीं जानता। अभी बाप हम बेवकूफ एक्टर्स को आकर के बुद्धिमान बनाए रही, ऐसा बुद्धिमान बनाए रहे हैं जो हर आत्मा ज्योतिबिंदु अपने स्वरूप में टिकने के बाद अपने 84 जन्मों को भी जान सके। अगर कम जन्मों को जाना है तो कम जन्म लेने वाली होगी, अगर पूरे 84 को चक्र को जान लिया तो मनुष्य से देव पद पाने वाली। अभी का ये जो टाइम है कौन सा टाइम, एटम बम फटने से पहले का टाइम, आज से 50-60 साल पहले लोगों को बुद्धि में एटम बम क्या चीज होती है ये किसी को पता ही नहीं था। मनुष्य रूप में भगवान भी सृष्टि पर आते हैं कलयुगी दुनिया में, ये किसी को पता ही नहीं था। अभी जहां जाओ वहां भगवान, कितने भगवान निकले हुए हैं भारतवर्ष में, उन ढेर के ढेर भगवानों के बीच कोई हीरा भी छुपा हुआ है, जिसके लिए गीता में कह दिया है मूलमति मनुष्य मेरे को नहीं पहचान पाते क्योंकि मैं साधारण तन में आता हूं। परमात्मा बाप जब आते हैं तो कोई चमत्कार नहीं करते, प्रकृति के कोई भी नियमों को नहीं तोड़ते, वो सारे काम सहज सहज ऐसे ही करते हैं जैसे कोई सामान्य मनुष्य करता है। इसलिए उस सुप्रीम सोल को इन आंखों से नहीं पहचाना जा सकता, ये आंखें विनाशी है और सुप्रीम सोल और आत्मा अविनाशी है। किसी आत्मा के पार्ट को हम नहीं पहचान सकते इन आंखों से देख करके, ये परमात्मा बाप आकर के हमको तीसरा नेत्र देता है। वो त्रिनेत्री आकर के बनता है, वो तीसरा ज्ञान का नेत्र देता है, जिस ज्ञान नेत्र से हम अपने आत्मा के अनेक जन्मों को भी पहचानते हैं और परमात्मा बाप के उस साधारण स्वरूप में उस विशेष सुरिया पाठ बजाने वाले सुप्रीम सोल को भी पहचान लेते हैं। वो कुछ विशेष मूर्तियों के द्वारा पाठ बजाता है, उन त्रिमूर्तियों को भी पहचान लेते हैं।
कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन शंकर है, ये पूरा अच्छी रीति समझ में आ जाता है। प्रूफ सहित समझ में आना चाहिए। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा से भी सृष्टि पर आया हुआ है, बुद्धि का वरदान देने वाला है, तो हम क्यों ना वो वरदान को ले लें। अभी लास्ट चांस है, हम सबका आखिरी जन्म है। एटमिक एनर्जी हमारे घरों की सजावट के लिए नहीं बनी हुई है, ये बनी है अपना पूरा कार्य करने के लिए। ये वही महावारी महाभारत प्रसिद्ध मूसल हैं, ये वही गीता में प्रसिद्ध भगवान की दाढ़ हैं, जिनके लिए भगवान ने कहा है, ए अर्जुन ये सारा संसार मेरे ऊपर की और नीचे की दाढ़ों में चबाया जाने वाला है। ये एटमिक एनर्जी रूपी एटम बम ऊपर भी तैर रहे हैं और नीचे जमीन में भी सुरंगों में रखे हुए हैं। ये दुनिया काल के गाल में है। बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है दुनिया, लेकिन ये सब क्यों सामान्य रूप से संसार में चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि परमात्मा का जो स्थापना का कार्य है, नई दुनिया बनाने का कार्य है, वो अभी पूरा नहीं हुआ। ये कार्य जब पूरा होता है, स्थापना हो जाती है, राजधानी स्थापन हो जाती है, दैवी राजधानी बन जाती है, तो एटमिक एनर्जी अपना काम करना शुरू करती है। एटम बमों के विस्फोट से प्रकृति डोलायमान हो जाती है। पृथ्वी डोलायमान होगी, भूकंप आएंगे, तो ये बड़े बड़े अटारियां, महल मानियां, जो मल्टी मिलियनर्स के बनाए हुए मल्टी मिलियन मंजिल के जो मकान है, वो ताश के पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। इससे पहले हम बच्चों को अपना पूरा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, नहीं तो यही हो जाएगा कि भगवान मिला और भगवान मिलने के बाद भी अपना भाग्य नहीं बना पाया। जो गायन है कि ब्रह्मा भाग्य बांटने के लिए आया और तुम सोए हुए थे क्या, तो ऐसा गायन सार्थक करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। हम तो परमात्मा बाप के सिकील दे बच्चे बनेंगे, हम उसका विरोध करने वाले राक्षसी बच्चे साबित होने वाले नहीं है। शास्त्रों में जो चेहरे दिखाए गए हैं, अजंता एलोरा एलिफेंटा की 2000 साल पहले जो गुफाएं बनी थी, उनमें जो चेहरे दिखाए गए हैं, वो चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं। चाहे राक्षसी चेहरा बनाए और चाहे दैवी चेहरा बनाए, ये तकदीर की चाबी परमात्मा बाप हमारी मुट्ठी में दे रहा है। और तो दुनिया वाले गाते हैं, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, तो वास्तव में अभी हमारी तकदीर हमारी मुट्ठी में है। ओम शांति।